जो खबरों की तह तक जाए। नमस्कार, हंगामा न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा। उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं बुलंदशहर में हुए हिंसा के विरोध में शनिवार को वाराणसी में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। आम आदमी पार्टी वाराणसी द्वारा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हुए इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या व उत्तर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में शनिवार को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल अध्यक्ष संजीव सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में गुंडाराज कायम है, भाजपा व उसके अनुयायी संगठन आतंकवादी हैं। आम आदमी पार्टी ने शास्त्री घाट से विरोध मार्च निकालकर मुख्यालय पर जाकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन किया। नाम संजीव है और मैं आम आदमी पार्टी का जिलाधिकारी हूं। किस तरह का कार्यक्रम है जो पिछले दिनों बुलंदशहर में उत्तर प्रदेश पुलिस के जाबाज इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की मॉब लिंचिंग के द्वारा जो हत्या हुई, आज उसको लेकर के उत्तर के विरोध में प्रदर्शन कर रही है। क्या उद्देश्य आप लोग धरना प्रदर्शन करने का, क्या मांगे हैं? आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि आज जो अखबारों में जो खबर आई है, सबसे पहले तो उस खबर से ही शुरुआत करते हैं कि जहां इस प्रदेश का मुखिया मुख्यमंत्री जो एक साधु और सन्यासी के रूप में उसने आप लोगों को झूठ कहा है, मीडिया के लोगों को झूठ कहा है कि उत्तर प्रदेश में कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुई, जबकि उत्तर प्रदेश में लगातार मॉब लिंचिंग की घटना चाहे शाहजहाँपुर हो, मेरठ हो, सीतापुर हो, हर जगह हुई है। और ये 2 तारीख की घटना में जहाँ पर आपने देखा कि योगेश राज जो संयोजक था बजरंग दल का, वहीं पर जो शिखर अग्रवाल भाजयुमो का सर अध्यक्ष था, वहीं पे उपेंद्र राघव जो बिहिप का कार्यकर्ता था, ये सारे लोग मिल करके उस घटना को आगे बढ़ाते हैं और योगी आदित्यनाथ इनके खिलाफ कुछ नहीं बोलते। सुबोध कुमार सिंह की हत्या होने के बाद उनके परिजन जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी पत्नी कहती हैं कि हमारे पति की हत्या के 3 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का विधायक देवेंद्र सिंह लोधी हमारे पति को धमकी देता है, जब उन्होंने गोकसी में पकड़े गए कुछ लोगों पर कार्रवाई करनी, उस पर भी योगी आदित्यनाथ नहीं बोलते। तो आज आम आदमी पार्टी का विरोध जो पूरे प्रदेश स्तर पे है, हम ये मांग कर रहे हैं कि ये जो जांच चल रही है, इस जांच से सुबोध कुमार सिंह के